हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज काफ़ी टाइम बाद हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं। वैसे बेसिकली अपने चैनल पे है ना ये वॉकिंग वाली, ये काफ़ी ज़्यादा मैं अपलोड कर रहा था अभी बीते कुछ दिनों से। अब थोड़े सा यार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे भी स्विच करेंगे, तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ भाई, अपन मार्केट में जाते हैं ना लॉन्ग कोट पपी लेने के लिए या फिर किसी भी लोकल ब्रीडर से अगर अपन लॉन्ग कोट का पपी लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है कोई भी लॉन्ग कोट पपी के लिए, तो वो सारी आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो भाई कैसे देखते हैं लॉन्ग कोट पपी मैं बता देता हूँ, और फिर जब भी जाओ ना ये सारी चीजें देखना। सबसे पहली चीज तो लॉन्ग कोट पपी के लिए आपको क्या देखना है, अपना फादर। कोई भी डॉग हो उसका मदर फादर देखना जरूरी है पपी लेने से पहले। तो भाई अपन लड्डू को दिखा देते हैं पहले आपको। पपी तू साइड में रह थोड़ी देर भाई, ये अपना, अरे इधर आना मुन्ने, ये देख सकते हो लड्डू को। ये एक तरीके से लॉन्ग कोट पपी है, इसके नेक के ऊपर हेयर्स हैं और इसके जो ईयर्स हैं इस पे हेयर्स हैं, और ये जो पीछे लेग्स है ना इसके यहाँ पर भी काफी सारे हेयर्स हैं। अब ये देख लो भाई सो गया है, ये तो ये पूरा देख सकते हो पूरा बालों में भरा हुआ है ना। तो ये सारी चीज होती है देखने से पपी लेने से पहले, मदर फादर देखो भाई, दोनों लॉन्ग कोट होने चाहिए तभी बच्चा लॉन्ग कोट का होता है। तो भाई वो तो देख लिया हमने ठीक है, बट फिर हम जब पपी लेके आते हैं ना तो उसके अंदर हमको क्या क्या चीजें देखनी होती है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई ईयर्स के ऊपर बाल है या नहीं है। जैसे ये ईयर्स होते हैं ना इनके, तो इनके ऊपर काफी सारे बाल होने चाहिए, मतलब ईयर्स दिखते भी नहीं है बालों के अंदर, ठीक है। ये जो उनके लेग्स होते हैं ना आगे वाले, इनके पीछे यहाँ पर काफी सारे हेयर्स होने चाहिए, और जो टेल होती है ना वो बहुत थिक होती है, मोटी सी होती है काफी ज्यादा, और पीछे वाले पैरों के यहाँ पर भी बाल होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, और ये जो एरिया होता है ना ये वाला, यहाँ पर भी लोकल पपीज से ज्यादा बाल होते हैं सिंगल कोट वाले पपीज से। और आप जब इनके फर के अंदर एज ए हाथ डालते हो ना तो आपका हाथ ज्यादा अंदर चला जाता है, और 1 to 1.5 inch के बाल होते हैं छोटी छोटी पपीज के। अभी इस बच्चे के मैं मतलब बाल देखूंगा ना तो 2 inch के बाल है, इतने लंबे लंबे बाल हैं इसके, है ना। और ये नेक के ऊपर भी, नेक के नीचे भी काफी सारे बाल होते हैं यहाँ पे, है ना। और बाल इतने होते हैं भाई इनके कि इनका पूरा फेस बालों से ढका हुआ रहता है। और ये देख रहे हो आप इनका मजल, ये मजल के ऊपर भी काफी सारे बाल हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये सारे है ना लॉन्ग कोट पपीज की निशानी होती है। और ये अगर आप इसको ऐसा देखोगे ना पूरा, तो ये आपको एक प्रॉपर लॉन्ग कोट दिखेगा। पकड़ने में बच्चा ऐसा नॉर्मल सा ही होता है, पकड़ने के बाद अंदर इसकी बोन्स फील होगी, मगर बोन्स से भी ज्यादा आपको इसके हेयर का जो डेंसिटी होती है ना वो ज्यादा फील होगी। तो ये इस तरीके का कुछ दिखता है भैया अपना लॉन्ग कोट, प्यारा सा बच्चा। आज के फिक्स 1 साल 1.5 साल पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसमें ऐसे ही मैं वीडियो बता रहा था, और उसमें अपना लड्डू था बताया वीडियो में, तो मैंने बताया था भाई लॉन्ग कोट पपी, और ये आज लॉन्ग कोट का बच्चा ही निकला है अपना। और ये भी अपना प्यारा सा छुटकुड़ाम एकदम ब्लैक मास्क का, ये भी लॉन्ग कोट ही है। तो ये ऐसे कुछ आप पता है पता कर सकते हो कि बच्चा लॉन्ग कोट है या फिर मीडियम कोट है। मीडियम कोट तो अलग ही चीज हो जाती है, बस लॉन्ग कोट ही आता है जीएसडी में, और सिंगल कोट आता है। डबल कोट को हेयर लेंथ से नहीं, डबल कोट तो हर जीएसडी होता है, मतलब जितने भी जीएसडी होते हैं ना सारे डबल कोट होते हैं। उनके दो फर होते हैं, इनर कोट और आउटर कोट, वो कोई और टॉपिक में हम बात करेंगे, बट आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ लॉन्ग कोट की। तो भाई ऐसा कुछ दिखता है लॉन्ग कोट, देख सकते हो कितना अच्छा फेस है इसका, एकदम हैवी हैवी सा है। और ये फर देख सकते हो आप इसका कितना अच्छा सा है, मतलब एकदम डेंस फर है, और काफी लॉन्ग है इसके हेयर्स अभी से ही। अभी तो 30 days का है ये, जब ये 50 days का होगा ना भाई बच्चा तब दिखेगा ये कितना शानदार निकलने वाला है ना। बोन्स देख सकते हो इसकी कितनी हैवी है, ये टेल देख सकते हो कितनी हैवी है। तो ये सारी चीजें होती है लॉन्ग कोट पपीज की निशानियां। तो यार इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है पपी के अंदर। लॉन्ग कोट दिखाने के लिए वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, कोई सेंस नहीं रहेगा, है ना। तो कोई भी पपी लो कोई लॉन्ग कोट बोलता है, मदर फादर देखने और ये सारी चीजें देखनी है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, तभी बच्चा लेना है, ठीक है, लॉन्ग कोट का अगर आप लेते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। अब ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ही लेके आते रहेंगे चैनल पे, अलग अलग पपीज से मिलाएंगे, अलग अलग डॉग्स से मिलाते रहेंगे आपको, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगली वीडियो बिल्कुल देखना भाई, जर्मन शेफर्ड प्योरिटी के ऊपर आएगी।